हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। गाइस, हमारे सामने फिर से खड़ी है किया की स्पार्कलिंग सिल्वर, जो अपडेटेड वर्जन आया है किया का 2021 मॉडल का। इसका पूरा रिव्यू मैं पहले कर चुका हूँ, रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, ये आपको मैं नाइट रिव्यू बताने वाला हूँ। नाइट में सबसे पहले देखिए आप, स्पार्कलिंग सिल्वर जो कलर है, ये जुबैर भाई ने एक महीने यूज़ कर लिया और काफ़ी मतलब बहुत ही ज़बरदस्त लगता है यार, बहुत प्रीमियम फील कराता है आपको। मैं कंप्लीट फालतू की चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा, इसमें मेन चीज़ बताने वाला हूं मैं आपको, जैसे इसका अपर डिपर कैसे वर्क करता है, और ये HTK मॉडल है तो उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या और किस टाइप की लाइटिंग्स आपको मिल जाती है। सबसे पहले ये देखिए आप प्रोफाइल, मतलब कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये वाला कलर स्पार्कलिंग सिल्वर। राइट में ये पूरा नाइट का मोड है, मैं आपको फोकस भी दिखाऊंगा उसका, किस टाइप का फोकस ये प्रोवाइड करके देती है। सबसे पहले फ्रंट की हेडलाइट से ही अपन लोग शुरू करते हैं। तो गाइस ये देखिए, इसमें आपको HTK मॉडल में प्रोजेक्टर हेलोजन हेडलैम्प मिलते हैं जो कुछ ऐसे दिखते हैं सामने से। आपको इसमें LED DRLs वगैरह नहीं मिलते हैं, और आपको एक मेन चीज़ मैं इसमें बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और एक नेगेटिव पॉइंट भी है, वो मैं आपको अंदर जाके बताऊंगा। जैसे कि आप यहाँ आफ्टर मार्केट अगर इंस्टॉल कराना चाहते हैं LED DRLs, तो ये वाला पोजिशन है, यहाँ पर इंस्टॉल हो जाते हैं। लेकिन एक मैं नेगेटिव पॉइंट उसका आपको बताऊँ कि ये जो है ना आपका, ये हेलोजन लैम्प है। मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है जो LED DRLs यहाँ पे लगा लेते हैं, वाइट कलर के जो आते हैं, वो कॉम्बिनेशन मैच नहीं होता और बहुत बुरे से दिखते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं वो। आप अगर लगवाएंगे या फिर किसी की गाड़ी में देखिएगा, अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो फिर ये पूरा ही प्रोजेक्टर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगवाइएगा, तो गाड़ी में मज़ा आएगा। क्योंकि ये तो शायद आपका 2-3 हज़ार के अंदर काम हो जाएगा, ये ज़रूर 20-25 हज़ार तक पड़ते हैं, इसलिए कोई लगवाता नहीं है, लेकिन वो बहुत बुरे लगते हैं, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन आप भी एक बार देखिएगा, तो ये फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है, ये इसके लैंप्स वगैरह, ये वाला इसका फ्रंट प्रोफाइल है नाइट में, और ये इसके इंडिकेटर्स ऑन मैंने करा दिए हैं, ये देखिए। वैसे ये है कि अच्छा लगता है, ये भी ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है। ये देखिए आप ORVs पे जो लग रहे हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत से लग रहे हैं, ये भी आपको हेलोजन में ही मिलते हैं। रियर से दिखा देता हूँ मैं इंडिकेटर आपको कैसे दिखते हैं, ये देखिए इंडिकेटर्स का रियर लुक, ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। ये लैंप्स अलग जल रहे हैं, और ये जो लाइट है रिवर्स कैमरे की, वो भी मैं आपको जला के दिखा देता हूँ, काफ़ी खूबसूरत लगती है रात में, जो कि मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ रिव्यू में। रिवर्स कैमरा लग चुका है, रिवर्स गियर लग चुका है सॉरी। तो ये कुछ ऐसे खूबसूरत से दिखते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं, ये बहुत बेहतरीन लुक देते हैं। अब ये तो हो गया टोटल इसका एक्सटीरियर कवर, अब मैं आपको इंटीरियर से बताता हूँ इसका लुक नाइट में। और ये देखिए गाइस, बहुत अच्छा मौका, लाइट चली गई है, मैं आपको फोकस दिखा देता हूँ। आप सबसे पहले इसका डिपर चलाइए जुबैर भाई, ये डिपर पे आप देखिए कितना जबरदस्त फोकस आ रहा है, पूरा अंधेरा है, देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, डिपर कितना जबरदस्त वर्क कर रहा है। अब इसका अपर चला के दिखाइए एक बार, ये देखिए सामने आते हुए बच्चे कितने अच्छे से दिख रहे हैं इसमें, आप काफी फोकस बहुत बढ़िया है, अभी वॉल आ गई, पीछे की बिल्डिंग भी बहुत क्लियर दिख रही है, आप देख सकते हैं इसमें। तो लाइट वाले भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रेजेंस को और अच्छा करने के लिए। और ये अंकल सामने से निकलते हुए देखिए कितने क्लियर दिख रहे हैं, इतने अंधेरे में भी, मतलब भाई बहुत जबरदस्त है ये। अब हेडलाइट में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो है यहाँ पे ये हेडलाइट लेवलर दे रखा है आपका, रोलर है। जुबैर भाई एक बार इसको प्रेस करिएगा, वो देखिए सामने चादर दिख रही है आपको, करिए, बड़ा स्मूथली जाता है, लेवल होता है, ये देखिए लाइट ऊपर उठी। अब उसको कम करिए जुबैर भाई, ये देखिए सामने चादर से कम होती, बड़ी स्मूथ वे में आता है, यहाँ से आप इसको ऐसे लेवल कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइज, अब हम अंदर आ गए इंटीरियर की तरफ, इंटीरियर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, मैंने फ्लैश को बंद कर दिया ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए उसका इंटीरियर। इंटीरियर में ये जो जितनी भी आपको ब्राइटनेस दिख रही है वो बहुत लाइट सी देते हैं ताकि आंखों को चुभे नहीं, और उसको आप और एडजस्ट कर सकते हैं, मैं बताता हूँ जहाँ से दिया है एडजस्ट करने का ऑप्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हेडलाइट आगे की जो आप एडजस्ट करते हैं वो ये रोलर से हो जाती है, अंदर की जो ब्राइटनेस है आप यहाँ से प्लस माइनस कर सकते हैं, मैं आपको प्लस माइनस करके दिखाता हूँ ब्राइटनेस कैसे एडजस्ट होती है इसकी। अब ये देखिए आप जुबैर भाई, इसको कम करिए थोड़ा सा, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको शो कर रहा है, वहां से आप देख सकते हैं क्लियर, ये देखिए ये बिल्कुल वन पे आ गई है, तो बिल्कुल एकदम ये विजिबिलिटी ऐसी हो जाएगी, ये रियल में भी ऐसी दिख रही है, कैमरा बहुत अच्छा है, उस पर डाउट मत करिएगा। चलिए इसको बढ़ाइए वापस से आप ब्राइटनेस को, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर शो कर रहा है, ये बढ़ रही है ब्राइटनेस, बढ़ाइए, फुल करिए इसको, मतलब फुल होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको आंखों में ये चुभने वाली है, काफी अच्छी लगती है, ये तो हो गया ये वाली बात। और दूसरी बात अब मैं आपको बता रहा था, अब इस HTK मॉडल में अंदर आपको जो लाइटिंग्स मिलती है ना वो देखिए, जैसे ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम तो है, यहाँ पे मिल जाती है आपको, ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शो हो रहा है, दूसरा आपको AC के कंट्रोल्स में मिल जाती है, नीचे जो आपका USB पोर्ट दिया हुआ है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, रियर में आपको कहीं नहीं मिलती, रियर में सिर्फ ये जो USB पोर्ट मिलता है वहीं पर आपको लाइटिंग्स मिलती है। और दूसरी मेन चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ,
जुबैर भाई एक मिनट इसका हेडलाइट ऑफ करिए खाली। ये देखिए ये जो अंदर की जितनी भी लाइटिंग्स थी ना, जब तक आप हेडलाइट ऑन रखेंगे तभी आपको शो होती है, बाकी बंद करने के बाद इतनी लाइटिंग्स आपको इसमें दिखेंगी। एक बार फिर से ऑन करिए, ये ऑन कर दिया तो ये सारी ऑन हो जाती है। और एक और जगह मिलती है, मैं बताना भूल गया था आपको, ये जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे पावर विंडो के, उसमें सिर्फ एक ही जो फ्रंट का ड्राइवर साइड पावर विंडो है वही आपको लाइटिंग पोजीशन में मिलेगा, बाकी नहीं मिलते हैं। अब ये एचटी के मॉडल के हिसाब से ठीक है भाई इतनी चीजें। और आपको ये लैंप मिल जाते हैं, ये देखिए एक ये वाला लैंप, फ्रंट के दो लैंप चालू करिए भाई। ये सबसे अच्छी चीज मैं लैंप की बताई चुका हूँ आपको, जब आपको प्रीमियम फील कराती है, एक वन टच क्लिक है ये जो काफ़ी प्रीमियम लगता है। इसके अलावा आपको ज़्यादा लाइटिंग्स नहीं मिलती है, खाली आपको बूट में लाइटिंग मिल जाती है दो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को एंड करते हैं। चलिए बूट की तरफ आएँ तो एक चीज़ और दिख गई है, ये दो लाइट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाती हैं। तो ये देखिए बूट एरिया, यहाँ पे आपको एक लैम्प मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलता, सिंगल लैम्प मिलता है आपको यहीं पर। अब मैं जो आपको माइनस पॉइंट बता रहा था वो आपको मैं यहीं से बता देता हूँ, अंदर नहीं जाते हैं उसके लिए। माइनस पॉइंट भाई इसमें ये है कि जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये, इसमें आप वीडियो प्ले नहीं कर सकते हैं एचटी के मॉडल में। वो वीडियो प्ले करने का ऑप्शन आता है आपके जो एंड के लास्ट के, मतलब दो ट्रिम्स आते हैं ना उसी में आप प्ले कर सकते हैं, और उसमें भी सेफ्टी के तौर पे किया ने दिया है कि वाइल्ड ड्राइविंग, ड्राइव करते वक्त आप वीडियो प्ले नहीं कर सकते, जब आपकी गाड़ी खड़ी है तभी आपको मिलेगा वीडियो प्ले करने के लिए। बाकी इन मॉडल्स में जो बेसिक मॉडल्स है या दो चार मॉडल्स ऊपर के हैं उसमें आपको वीडियो प्ले का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो गाइस ये था कुछ किया स्पार्कलिंग सिल्वर अपडेटेड का नाइट रिव्यू। होप करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन भी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।